foremost, welcome to you all on behalf of Delhi Jagran INEX Vision Food Awards 2022. आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और अभिवादन इस प्यारे ओकेजन पे। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार जोरदार वाली तालियों से अपनी उपस्थिति का एहसास करें। हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल मौके के लिए यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो स्वाद की दुनिया है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अग्रणी मानी जाती है, और हम सभी जानते हैं कि आज आप सभी को स्वाद के शहंशाहों का टाइटल मिला है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आप सभी की मेहनत थी, तभी आप सभी यहाँ पर हम सभी के सामने। हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे बीच में अतिथि होते हैं उनका सम्मान सबसे ज्यादा अग्रणी होता है, और इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि अतिथि देवो भव कहती भारत की धरा, निसंदेह अतिथियों का सम्मान करके निभाएंगे ये परंपरा। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी से जनरल मैनेजर दैनिक जागरण गोरखपुर जी को मंच पर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा, और मैं उनसे कहूंगा कि वो हमारे चीफ गेस्ट श्री रिपु धवन हांडा जी का एक बुकिंग के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ मैं शिशिर जी से चाहूंगा कि अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय मिस्टर शिशिर मिश्रा जी को और एडिटोरियल हेड दैनिक जागरण आईनेक्स पूरे मंच पर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आज के इस विषय पर, आज के इस कार्यक्रम पर दो शब्द कहें हमारे सारे स्वाद के शहंशाहों के लिए। थैंक यू मंच, जीएम सर, हांडा साहब और गोरखपुर की सभी हस्तियां जिन्होंने खाने के क्षेत्र में गोरखपुर का नाम पढ़ाया, तो नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप सभी का दैनिक जागरण आईनेक्स परिवार की ओर से स्वागत है। चूंकि हम लोग दैनिक जागरण जैसे वट वृक्ष में हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी सारी बातें वहीं से शुरू होती हैं और उसी के साथ ही होती हैं। हमारे जीएम साहब हैं, हमारे संजय सिंह जी हैं, हांडा साहब हैं, और पूरा गोरखपुर परिवार है। गोरखपुर अब जहाँ हम बैठे हैं परिवार की तरह बैठे हुए हैं, तो हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से पब्लिक के बीच बीच बार बार आते रहते हैं। कभी हम एजुकेशन के क्षेत्र से आते हैं, कभी हम खेलकूद से आते हैं, कभी हम फैशन शो से आते हैं, तो कभी हम लोग फूड अवार्ड के माध्यम से आते हैं। तो आज हम लोग हैं फूड अवार्ड के माध्यम से, जो हमारे खाने के और स्वाद के शहंशाह हैं हांडा साहब, उनके बीच उनके जरिए हम आपके साथ हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप गोरखपुर पधार रहे हैं। तो टॉक शो के लिए मैं सबसे पहले पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा वन ऑफ द फाइनेस्ट शेफ इन इंडिया, मास्टर शेफ सीजन 3 विनर, वन एंड ओनली रिपु धवन हांडा सर, अति जोरदार वाली तालियां हो जाए आप सभी की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई एम सो हैप्पी कि आप सब लोग यहां पे आए हैं, और मुझे दोबारा मौका मिला यहां पे आने का, आई एम सो ग्लैड। प्लीज शुरू करो भाई। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि रिपु सर टॉक शो के लिए आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो एक बार तालियों के साथ हम वेलकम करेंगे रिपु सर का, और गोरखपुर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो ज्यादा इंतजार ना करते हुए सबसे पहला सवाल, जो कि बहुत जरूरी है सभी स्वाद के शहंशाहों के लिए जरूरी है, हेलो पहला सवाल मेरा ये है कि कब, क्यों, कैसे और कहां से जिंदगी की शुरुआत हुई? सबसे पहले मैं आपकी एज अ शेफ जर्नी के बारे में जानना चाहता हूं। जिंदगी की शुरुआत हुई दिल्ली से हुई। मैं पैदा दिल्ली में हुआ, मैं स्कूलिंग मसूरी से हुई, फिर वापस दिल्ली आया मैंने पेरेंट्स के पास, और कुकिंग इंडस्ट्री बोल लो तो बहुत जल्द मैंने घर पर खाना पकाना शुरू किया था। मुझे घर से लगाव था मम्मी के साथ, और उनके साथ बहुत हेल्प करता था उनकी कुकिंग में, और वहीं से मेरे को शायद एक पैशन आया था कुकिंग को कि मेरे को शेफ बनना है। उस टाइम पे शेफ का मतलब मुझे पता नहीं था, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को भी शेफ का मतलब नहीं पता था कि शेफ होता क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 और 2004 कि शेफ इंडस्ट्री क्या होती है, सिर्फ इतना पता था कि ढाबा होता है और कुक होता है, और रेस्टोरेंट्स तो बहुत कम, मतलब बहुत हार्डली जाता है। लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स को बाहर का बहुत पसंद, तो उनकी वजह से मेरे को अलग अलग देशों में जाने का मौका मिला, वहाँ पे अलग खाना चखने का मौका मिला, और वहाँ से मेरा ये टेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे कुकिंग करना है। वैसे मैं प्योर पंजाबी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे सब कुछ चलता है, ठीक है,
तो एवरी संडे पापा कुकिंग करते थे, लेकिन एक चीज थी जो मेरी फैमिली में उनको समझ में आ रही थी कि ये एक प्रोफेशन है। होता ना मेरे बात कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ और होता है और अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये एक प्रोफेशन है, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो मेरे शेफ था। और टेलीविजन से मैं नाता दूर दूर तक नहीं है, ना मेरा ना मेरे परिवार का, वो ना आना चाहते हैं ना उनको पसंद है, ना वो बॉम्बे कभी गए हैं, बॉम्बे आते भी मेरे पास भी नहीं आते बॉम्बे को। तो आई थिंक डेस्टिनी थी, मेरा सपना सिर्फ शेफ बनना था, टीवी के माध्यम से बन गया या कैसे बन गया, मैं शुरू से बस एक ही बात बोलता था, आई जस्ट वांट टू बी अ शेफ। You have a restaurant in London. So I just wanted to ask, we are basically belonging to a tier 2 city, which is Gorakhpur. So what one thing we can learn from them, which can be taken to Gorakhpur-like cities, which can be implemented in our restaurants as well? You can't learn from them. The thing is that they are very hurry. उनके पास time नहीं बात करने का। So जहाँ पे मेरा restaurant है, at a Bond Street, सबसे busiest street market है। वहाँ पे वो लोग बस ऐसे खाते भागते हैं। आपको पता है कि आपका रेस्टोरेंट इतना टर्न ओवर करता है, तो आप कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, प्लीज आप ये ट्राई कीजिए। तो कस्टमर को भी लगता है कि यार ये ट्राई कर रहे हैं, प्लीज क्योंकि अगर आप बाहर से कंपेयर करते हैं, बाहर की मार्केट इज टोटली डिफरेंट, सभी रास्तों का अंतर है, ज्योग्राफिकली इज डिफरेंट, टेस्ट वाइज इज वेरी डिफरेंट, टेस्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंस, क्योंकि वहां पे जो हम यहां पे जो स्पाइसी खिला सकते हैं सिर्फ स्पाइसी, वहां पर उनको चटपटा चाहिए, चटपटा कुछ भी खिला दो खा लेंगे चटपटा। बेसिकली गोरखपुर का मार्केट व्हिच आई हैव एक्सप्लोर्ड इज आपको लिट्टी भी मिलेगी एक जगह, एक जगह आपको अपना चाट पूरी आलू भी मिलेगी, आपको कचौड़ी भी मिलेगी, तो ये इसके बैलेंस करना पड़ेगा। मेरा एक सिंपल से कहना है कि अपने रेस्टोरेंट में वो खाना बेचे जो कस्टमर खाना चाहते हैं, ना कि जो मैं खाना चाहता हूँ। अगर मैं बोलूँगा कि मैं अपने खाने में अपने मनपसंद का रेस्टोरेंट का खाना बेचूंगा, कोई नहीं खाएगा, तो कस्टमर के हिसाब से वी हैव टू रन द रेस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू सो मच। अब मैं ज्यादा इंतजार ना करते हुए, नाउ इट्स टाइम टू अवार्ड सेरेमनी, आर यू एक्साइटेड एवरीवन, यस और नो? So please welcome Hitesh Pandey and Prabhakar Yadav. Can we give a huge round of applause everyone? If also not very kind. So अगर हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो हमारे मन में पहला सवाल होता है कि एक अच्छा सा हाईवे रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पर हम थोड़ी सी अपनी थकान उतारें। So one of the finest places, Amiti the Family Restaurant. Congratulations sir for the food award. एक बार जोरदार बड़ी तालियां हो जाए। And now next award goes to Bindas Dhaba, and the category is Best Handy Button and Dhaba. I would like to call upon the stage Pranay Singh. Ek baar zordaar wali taaliyan ho jaye sir ke liye. So agar best non-veg ki baat kare, especially ko Handy Button, to Devariya Road pe aapko ye Bindas Dhaba ekdam bindas andaaz mein milega. So congratulations sir for the food awards, ek baar zordaar wali taaliyan ho jaye sir. And the next award goes to jiski bahut sari branches dekhi hain, ek do hamare premises ke bagal mein hai, and the award goes to KKholics, and the category is best bakery in the town. I would like to invite Hiral Agrawal, ek baar zordaar wali taaliyan ho jaye everyone. पार्टी का हो या रिंग सेरेमनी का, सो अगर आप की के लिए कुछ भी प्लान कर रहे हैं, सो वी हैव बेस्ट बेकरी इन द टाउन, KKholics, कांग्रेचुलेशन मैम फॉर द फूड अवार्ड्स। एंड द नेक्स्ट अवार्ड गोज टू चंपारण मीट हाउस, एंड द कैटेगरी इज बेस्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी नॉनवेज। आई वुड लाइक टू इनवाइट वंस अगेन प्रणय सिंह सर, एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए एवरीवन।
ऑनलाइन ऑर्डर तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर है. ऑनलाइन ऑर्डर अगर टाइम पे मिले और अच्छा मिले, सो ऑनलाइन ऑर्डर्स का अवार्ड दिया. चंपारण मीट हाउस, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन प्रणय सर, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे. और एंड द नेक्स्ट अवार्ड गोज टू, जिसके हम सभी फैन हैं, स्पेशली वो यूथ, और अवार्ड गोज टू नैनीताल मोमोज एंड द कैटेगरीज बेस्ट मोमोज पार्लर इन द टाउन. आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रियंका मौर्य एंड एमवी मौर्य. इट वाज जोरदार नैनीताल. अच्छी बजा दें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा तालियां बजाएगा उसको अवार्ड के साथ साथ एक आईफोन 13 का डब्बा भी मिलेगा. And the next award goes to when and only Pink Balochi. And the best category is Best Fine Dine. I would like to invite Mr. Satish Nagaliya. It was so dark when Italia was here, everyone. Medical road par agar aap Best Fine Dine restaurant dekh rahe, to we have Pink Balochi. Congratulations, Mr. Satish Nagaliya, for the food awards. Next award goes to Quality Jalpan, Best Food Court in the town. गोलघर आपके आसपास ही. आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अमरजीत सिंह. एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए सर के लिए. बेस्ट फूड कोर्ट एंड फूड कोर्ट के साथ गोलघर में क्वालिटी चेयरमैन, और जैसा ही सर के वेंचर का नाम है वैसे ही क्वालिटी भी है. कॉन्ग्रेचुलेशन सर. The next award goes to जिनसे भी हमने बात भी करी, वन एंड ओनली रंगरेजा रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल. एंड द कैटेगरी इज बेस्ट रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल. आई वुड लाइक टू इनवाइट सुप्रिया द्विवेदी एंड अश्वनी गुप्ता. कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन. बर्थडे पार्टी हो, वेडिंग सेलिब्रेशन हो, ईयरिंग सेरेमनी, पार्क रोड स्थित बेस्ट रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल का टाइटल मिला है. रंगरेजा रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल, कांग्रेचुलेशन सुप्रिया द्विवेदी एंड अश्विनी गुप्ता सर, कांग्रेचुलेशन. नेक्स्ट अवार्ड गोज टू स्काई गार्डन एंड द कैटेगरी इज बेस्ट रूफटॉप फैमिली रेस्टोरेंट. आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अवधेश श्रीवास्तव एंड अनूप मिश्रा. So, अगर मैं स्काई गार्डन की बात करूं तो सबसे पहले अगर गोरखपुर की बात करूं तो फ्यूजन फूड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट किया था स्काई ने. कांग्रेचुलेशन सर फॉर द फूड अवार्ड. एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए. नेक्स्ट अवार्ड गोज टू द तिरई रेस्टोरेंट एंड रूफ टॉप एंड बार. एंड द कैटेगरी इज बेस्ट बैंक्वेट एट द रूफ टॉप बार. आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सचित सिंह एंड सृष्टि सिंह. ओके, मुझे लगता है कि हमारे सारे बॉडीज के लिए एक बार जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए आप सभी की. हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत ही बहुमूल्य हाथ होता है उसके पीछे. सो अब बारी है हमारे स्पॉन्सर्स को सम्मानित करने के लिए. सबसे पहले हैदराबाद किचन सॉल्यूशन प्रेजेंट दैनिक जागरण आईनेक्स फूड अवार्ड 2022 इन एसोसिएशन विद प्रेस्टीज सो स्पेशल गूगल और वेन्यू पार्टनर जिस प्रमाइसेस में हम लोग बैठे हैं होटल रॉयल रेसिडेंस. सबसे पहले तो हमारे स्पॉन्सर्स के लिए एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए आप सभी की. इसी कड़ी में सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट फ्रॉम हैदराबाद किचन सॉल्यूशन से अजीत प्रताप सिंह एंड टीम. देयर टाइटल स्पॉन्सर्स एक बार जोरदार वाली तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर अजीत प्रताप सिंह जी का. बेस्ट फूड के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी होते हैं तो किचन एसेसरीज. सो अगर आप किचन एसेसरीज से रिलेटेड कोई भी चीज लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हैदराबाद किचन सॉल्यूशन. कांग्रेचुलेशन सर, एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए. और अब बारी है उस प्रेमाइसेस, बेहद ही खूबसूरत प्रेमाइसेस जिसमें हम सभी बैठे हुए हैं.
तो सबसे पहले तो इस प्रीमाइसेस के लिए तालियां हो जाएं। Now I would like to invite Mr. Raksh Dhingra from Hotel Royal Residency. Can we have a huge round of applause? एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाएं। Our venue partner and the category is best hospitality in the town. So best hospitality title मिला है सर को। एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाएं। Once again, Mr. Raksh Dhingra जी के लिए। All the sponsors. Now I request all the awardees please come forward on the stage for the group photograph. I request all the awardees please come forward for the group photograph. मैं सारे awardees से request करना चाहूँगा कि आप सभी stage पर आ जाएं एक group photograph के लिए. मैं पुनः हमारे सारे अवॉर्डी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप सभी अपने अवार्ड के साथ स्टेज वर्तिका एंड अनाजिका प्लीज कम फॉरवर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ गौरव कुराला और इस बार मैं आ चुका हूं गोरखपुर में। और यहाँ के लोगों को आप देख चुके हैं, यहाँ के पकवान को आप जान चुके हैं, तो आप भी यहाँ पे आए, यहाँ के पकवान चखे और यहाँ के लोगों से मिले, क्योंकि यहाँ के खाने में मज़ा ही आ रहा है। थैंक यू दैनिक जागरण फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड अपॉर्चुनिटी। आपने गोरखपुर शहर के रेस्टोरेंट ओनर्स एंड बेकरीज को आज रिकग्नाइज करके उनको अवार्ड दिया है, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस टू बी रिकग्नाइज बाय वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग मीडिया हाउसेज इन द कंट्री। हेलो, आज मेरा नाम नेहा, ये मेरे हस्बैंड हैं और हमें अंगीठी द फैमिली रेस्टोरेंट पे बेस्ट हाईवेट रेस्टोरेंट का अवार्ड मिला है मिस्टर रिपुदमन हांडा की तरफ से। हमें दैनिक जागरण आईनेक्स ने इनवाइट किया यहाँ रॉयल रेसिडेंसी में और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं नैनीताल मोमो का ऑनर बोल रहा हूँ और यहाँ पे इनवाइट आईनेक्स ने किया था जो कि बहुत अच्छा लगा। एक बार पाके कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और साथ जनक है और ताकि हमारे गोरखपुर के लोगों को और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम हुआ और उसने इस पर्पस पे भी बात हुई ताकि लोगों में एक नया अवेयरनेस हो ताकि अपने को जो कमी है उसको हम सुधार पाए। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दैनिक जागरण टीम का जिसने इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया। पिछले 2 साल से ये टाइम हम लोग के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है क्योंकि अगर आप लोग 2 साल पहले चलेंगे तो इस टाइम पे ही कोविड स्ट्राइक करता था और ये काफ़ी एक जब हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं लगन का पीरियड था। दिस इज सच अ ग्रेट प्लेस फॉर एक्सपोजर फॉर रेस्टोरेंट ओनर्स लाइक अस एंड दैनिक जागरण को मैं इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद कहूँगी। मुझे दैनिक जागरण आईनेक्स ने इन्वाइट किया था, मुझे मेरे 2 रेस्टोरेंट्स के लिए अवार्ड मिला है लाइक बिंदास ढाबा एंड चंपारण मीट हाउस। बिंदास ढाबा इज़ माई रेस्टोरेंट कम ढाबा एंड चंपारण मीट हाउस इज क्लाउड किचन। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ रितु दमन हांडा जी स्पेशल चीफ गेस्ट थे, उनसे मुलाकात हुई, कई सारी बातें हुई, कई बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और समझा भी बिजनेस के बारे में, टेस्ट के बारे में और वेन्यू भी बहुत अच्छा था रॉयल रेसिडेंसी और बहुत इन्जॉय किया। अवार्ड्स के लिए थैंक्स।